हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी जो है वो वीक लग रहा है और बैंक निफ्टी भी वीक लग रहा है, और मैंने आपको बताया भी था कि शार्प फॉल में देखने को मिल सकता है। और अब अगर आप देखो, एक सिंपल यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होता है तब तक यहाँ से मुझे लगता है कि करेक्शन ही हमें देखने को मिलेगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं करता तब तक हमें बुलिश अप मूव देखने को नहीं मिलेगा, साइडवेज या बेरिश ही हमें देखने को मिलेगा। और डाउ वीकेंड फ्यूचर जो है वो संडे को माइनस था 200 पॉइंट। मोस्ट लाइकली कल हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मुझे लगता है फॉलो थ्रू सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है, और 11,300 11,400 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। सो आपका व्यू जो है वो बेरिश ही होना चाहिए। कोई भी इंट्राडे बाउंस मिलता है आपको आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखो निफ्टी का, यहाँ से एक सिंपल ट्रेंड लाइन बन रहा है, और कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ये ऑलरेडी ये लोअर हाई फॉर्मेशन बनाते जा रहा है, लोअर लो फॉर्मेशन बनाते जा रहा है। कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हमें फॉलो थ्रू सेलिंग देखने को मिल सकता है, और 11,400 तक भी निफ्टी जा सकता है। बैंक निफ्टी हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी भी वीक है। अगर आप देखो यहाँ से एक सिंपल मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें बुलिश अप मूव देखने को नहीं मिलेगा। या तो ये बेरिश रहेगा या ये साइडवेज रहेगा। बेरिश होने के चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यूसली लोअर हाई फॉर्मेशन बनाते जा रहा है, लोअर लो फॉर्मेशन बनाते जा रहा है। और कल बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है, और अगर गैप डाउन होता है तो एक्सपेक्ट मत करना कि वापस बाउंस बैक करेगा। मुझे लगता है फॉलो थ्रू सेलिंग कंटिन्यू रह सकता है, और 23,000 तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है। तो आपका फोकस शॉर्ट की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी बाउंस मिलता है इंट्राडे में आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक है पिडिलाइट। पिडिलाइट का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है क्योंकि इसने चार्ट पे एकदम टॉप पे बेरिश आरामी पैटर्न बनाया है। बेरिश आरामी एक नेगेटिव पैटर्न होता है, बेरिश पैटर्न होता है। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। अगर इसमें फॉलो थ्रू रेड कैंडल बनता है तो हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, लेकिन वापस क्लोजिंग ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही दिया है। ठीक है, 312 के लेवल से हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, और वापस क्लोजिंग जो है वो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही दिया है। तो मुझे लगता है यहाँ से फॉलो थ्रू बाइंग आ सकता है, और ये स्टॉक 340 तक जा सकता है। सो इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा बाय रहेगा टाटा केमिकल। इसका स्ट्रक्चर मुझे बाइंग की तरफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक होगा कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर मुझे सेलिंग की तरफ ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर एक सिंपल मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ही नहीं कर पा, मुझे लगता है यहाँ से वापस सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, और ये स्टॉक 400 तक भी आ सकता है। तो इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा। एग्जैक्टली कौन सा लेवल पर सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन कैडिला हेल्थ का स्ट्रक्चर मुझे वीक लग रहा है सेलिंग के लिए। एंड लास्ट स्टॉक होगा रिलायंस। रिलायंस का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो लगातार रेड कैंडल्स हमें देखने को मिली थी, और अगर मैं सिंपल एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर ही कैंडल क्लोज हुआ है, आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर। इसमें मुझे स्ट्रक्चर बाइंग की तरफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है ये 2150 तक जा सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है 2150 तक। तो रिलायंस काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। एग्जैक्टली कौन से लेवल पर बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। पिडिलाइट और कैडिला हेल्थ केयर सेल की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, टाटा केमिकल और रिलायंस आपको बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।